साधना करो आराम से, बोले गर्मी गर्मी हो जाती तो जीभ को बाहर निकालो और कौवे की चोंच जैसा बना दो, शुद्ध हवा में जीभ से श्वास पीके जैसे पानी पीते ऐसे पी लो, गर्मी गर्मी गायब हो जाएगी। जो बोलते हैं ना हम साधना करते हो गर्म गर्म हो जाता है, इसको बोलते काक मुद्रा। वायुपान, हवा पीकर जीने वाले जोगियों से मेरी दोस्ती थी, पानी नहीं पीते, पेड़ पी रहते थे। हमने भी खूब पापड़ बेले, ऐसा नहीं कि किसी के नाम से सत्संग करके पुजवाना, इसको तोड़ना, उसको भिड़ाना, उसको चढ़ाना, ऐसा काम हम नहीं जानते, ऐसा नहीं करते। नहीं तो शुद्ध साधना ईमानदारी से करके, राजनीति राजनीति से भी गंदी नीति, कपट नीति। और कपटी लोग अगर धर्म उपदेश देंगे तो खुद कहां जाएंगे और उनके चमचे चमचे कहां पहुंचेंगे। ये जीभ ऐसे देखो, फिर श्वास रोक रखे ऐसे 10-5 बार खुली शुद्ध हवा में, ऐसा नहीं खींचे और फिर मच्छर भी चला जाए। बोले बापू ने बुलाया वायुपान करो, बैक्टीरिया जा रहे हैं, मच्छर जा रहा है। क्या करा है? बोले बापू जी ने बोला वायु पी के रहो, गर्मी मिट जाएगी, लेकिन शुद्ध हवा में करो ना। नाक में तो बालों की छलनी है, यहाँ तो जैसी हवा पीने के नहीं, जरा संभल के करना पड़े, अकल थोड़ी अपने काम में लानी पड़ेगी। इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं, गर्मी शांत हो जाएगी। पित्त प्रकोप होता है वो भी शीतली प्राणायाम करने से फायदा हो जाता है। लोग बंबई जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, जीभ में ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें? शीतली प्राणायाम करें तो भी काम हो जाता है, लेकिन जिसको मनमुख हो गया तो उनको तो भाई बिना लगाम का घोड़ा कब कहां पहुंचे सवार अल्लाह जाने। नहीं तो शीतली प्राणायाम भी बहुत काम करता। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो योग विद्या के बल से उसको ठीक न किया जाए। जो ऑपरेशनों में और इधर और उधर चेकअप और ये उसमें जाते हैं ना, वो सचमुच बेचारे हैं। अब क्या बोलना किसी के लिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और क्या करें।